नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है ओरिजिनल पॉडकास्ट में। आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक बेहतरीन ऑडियो बुक समरी लेकर। आज की यह ऑडियो बुक समरी हम लेकर आए हैं आपके लिए ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और विश्व गुरु सदगुरु की बुक आनंद लहर चाहो और पालो से। तो आइए सुनते हैं इस बेहतरीन ऑडियो बुक समरी को। आपके आनंद की जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? यदि आपको आनंद पूर्वक रहना है तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? आपके पिता, पत्नी, संतान या मित्र? आप जिन चीजों की कामना कर रहे हैं उन्हें पाने का मार्ग क्या है? इन बातों पर एक एक करके विचार करें। शाम की सुरमे वेला है, पर्वत शिखर पर तैर रहे बादल चोटियों से टकरा रहे हैं। इन पृष्ठभूमि में सूरज पीले रंग में भीग कर डूब रहा है। आप इस रमणीय दृश्य को देख रहे हैं, बताइए दृश्य कहाँ है? उस पहाड़ पर, उस आसमान पे इत्मीनान से सोचकर बताइए इस दृश्य का अनुभव कहाँ घटित हो रहा है। आपकी आंखों के पर्दे पर उसका बिंब गिरता है और दिमाग को सूचना भेजता है। आपके अनुभव में अब पहाड़ कहाँ है? आपके भीतर ही है न। आप संगीत सुन रहे हैं, सुखंद का आनंद ले रहे हैं, किसी स्पर्श से आपको सुख मिलता है। यह सब आपके अंदर ही घटित हो रहा है। प्रकाश और अंधकार, नाद और सन्नाटा, वेदना और आनंद, सब कुछ आपके भीतर घटित हो रहा है। इस तरह जब सब कुछ आपके अंदर ही घटित हो रहा है, केवल आपकी इच्छा साकार होने से क्यों इनकार कर रही है? प्रसन्न रहने के लिए आप 100% शर्त लगा रहे हैं। पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरा बच्चा वैसा होना चाहिए। इस प्रकार की सैकड़ों शर्तें लगाते जाएंगे तो आपका आनंद किसी दूसरे के नियंत्रण में चला जाएगा। अगर आप आनंद में रहेंगे और प्रेम पूर्वक बरतेंगे तो अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रख सकेंगे। यदि आप दुख में हैं, मायूस में डूबे रहेंगे और अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों को भी छीन लेंगे या फिर उन्हें बिगाड़ देंगे। ध्यान दीजिए आपकी इच्छा दरअसल कहाँ आपकी जड़ जमाए हुए हैं। आपने सोचा था शादी हो जाए तो खुशी मिलेगी, शादी हुई, फिर ख्याल आया बच्चे हो जाने पर जीवन पूर्ण होगा, उसी में खुशी है। जीवन से जीना या खुशी से जीना, यही लालसा तो आपकी सभी इच्छाओं के मूल में छिपी हुई है। आपने जो मांगा वो मिल गया, लेकिन संतोष के बिना आगे और आगे यूं इच्छा से एक इच्छा पे दूसरी इच्छा लपकती जा रही है। ऐसा क्यों? गलती कहाँ हुई? क्या यह आपकी त्रुटि है या इच्छा की? हमें उम्मीद है कि ये आपको बेहतरीन ऑडियो बुक समरी पसंद आएगी।